पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान खेले जाने वाले मैचेस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। डीआईजी सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन मकसूद अहमद की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर, डीआईजी साउथ शर्जील खरल, कमांडेंट एसएसयू जिशान शफीक सिद्दीकी, पाक फौज के हुकाम, रेंजर्स और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि कराची पुलिस के मजमूई तौर पर 4,550 अहलकार नेशनल स्टेडियम, एयरपोर्ट रूट्स, प्रैक्टिस ग्राउंड्स पर सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। 1,000 एसएसयू कमांडोज और सिक्योरिटी डिवीजन के 606 अहलकार भी फराइज़ अंजाम देंगे। नेशनल स्टेडियम में खसूसी कमांड एंड कंट्रोल बस भी तैनात की जाएगी, जो मैच के दौरान स्टेडियम के गिर्दोनवा में अमन अमान की सूरत हाल पर नज़र रखेगी। सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फ़जाई निगरानी भी की जाएगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए आला तरबियत याफ्ता और जदीद असलहे से लेस कमांडोज पर मुश्तमिल स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम को भी स्टेडियम के अंदर और बाहर तैनात किया जाएगा। इवेंट से कबल सिक्योरिटी इंतजामात की फुल ड्रेस रिहर्सल भी की जाएगी। तमाशाइयों को खसूसी शटल बस सर्विस के जरिए पार्किंग पॉइंट से स्टेडियम और स्टेडियम से पार्किंग पॉइंट्स तक पहुँचाया जाएगा। तमाशाइयों की सहूलत के लिए ट्रैक सूट में मलबूस कमांडोज पार्किंग पॉइंट से लेकर इंक्लोजर तक मुकम्मल रहनुमाई और मदद करेंगे। नेशनल स्टेडियम आने वाले शायकीन के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग पॉइंट्स मख्तस किए गए हैं।